सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि नोटबंदी को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही छवि से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सारी नकदी काला धन नहीं है और सारा काला धन नकदी में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की नकदी आधारित अर्थव्यवस्था और कालाधन आधारित अर्थव्यवस्था में भ्रमित हो गए हैं। पीएम को सिर्फ टीआरपी की राजनीति पसंद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भारत को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दिया जिसकी पूरी राजनीति टीआरपी पर आधारित हो। वहीं बैठक में पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार ने खुद को विचित्र स्थिति में डाल दिया है और उनकी नीति पूरी तरह से असफल रही है। तो नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह मुखर है और सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। चाहे संसद हो या संसद के बाहर, कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है और कांग्रेस पार्टी के रुख से साफ है कि उनके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले। देखते रहिए डीबी लाइव।